हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योगदान बैच आपकी वर्क की क्लास चल रही है स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन सेम है नोट्स सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली बनाने हैं जब इंस्पेक्शन होगा तो सारे नोट्स आपके चेक करे जाएंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन को बिगिन करते हैं लास्ट सेशन में मैंने आपको टाइप्स बताए थे वर्ब के सो आज हम फॉर्म्स में बात करेंगे कि आपके वर्ब्स की फॉर्म्स क्या क्या हो सकती है सो लास्ट सेशन में हमने आपका जो करवाया था वो आपका टाइप्स था तो आज आपका फॉर्म्स होगा तो फॉर्म्स में आपके सामने ये रहा ठीक है तो forms of verb को begin करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसको पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे उसको बात को कि अगर वर्ब के बारे में बात बोले तो वर्ब में भी आपके पास फॉर्म्स होती होंगी देख लो यहाँ पे वर्ब फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म भी बोला जाता है ध्यान से सुनना सब पास्ट सिंपल जिसको सेकंड फॉर्म भी बोला जाता है एंड पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन तो यहाँ पे आपके पास जो ब्रेक है फर्स्ट फॉर्म है ब्रोक है सेकेंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन ठीक है और जब फॉर्म्स के बारे में बात बोले तो जो फॉर्म्स होती हैं आपकी वो हमेशा किसकी होती है मेन वर्ब की होती है फॉर्म्स जो होती है आपकी किसकी होगी मेन वर्ब की होगी तो जैसे अगर मैं बात बोलता हूँ यहाँ पे आपके पास आ गई हेल्पिंग वर्ब। अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ तो आप मेन वर्ब के बारे में बात बोलोगे तो मेन वर्ब के केस में आपके पास फॉर्म्स होने वाली जिसमें कि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी आपके पास सेकेंड फॉर्म भी होगा और आपके पास थर्ड फॉर्म भी होगी ठीक है अब जैसे अगर मैं हेल्पिंग वर्ब में सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को लेके चलू मॉडल को लेके चलता हूं तो मॉडल के केस में आपका कोई फॉर्म्स नहीं लेके जाएंगे कि हमने बोला कि फर्स्ट फॉर्म कैन हो गई है सेकेंड फॉर्म इसकी कैंट हो चुकी है थर्ड फॉर्म इसकी कैंड हो चुकी है इनमें आपकी फॉर्म्स नहीं मिलेंगी आपको जो फॉर्म्स देखनी है किसमें देखनी है मेन वर्ब में देखनी है सेकेंड थिंग आपको बात याद रखनी है कि जब भी, भी हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं अगर हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो फॉर्मेशन में एक बात याद रखनी है कि जब आपकी फॉर्मेशन होगी सेंटेंस में तो आपके पास अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपके पास एक वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आना अनिवार्य होता है कंपलसरी होता है बात समझ लो बस ये अब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज करा है तो इसके साथ हम किसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे ठीक है अगर is, am, are, आ चुका है तो वो आपको देखना है कॉन्सिस्टेंस में है अगर कॉन्टिन्यूस में है तो वर्ब की आई एनजी फॉर्म का यूज होगा आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बात पढ़ रहे हैं तो फॉर्म्स आपको किस में मिलने वाली है मेन वर्ब में मिलेगी फॉर्म्स आपको किस में मिलेगी मेन वर्ब में मिलेगी और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का, का काम क्या होता है मदद करना वो क्या करेंगे सिर्फ मदद करेंगी और अगर वो मदद कर पा रही है हेल्प कर पा रही है तभी आप उसको हेल्पिंग वर्ब बोलोगे अदरवाइज आप उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं इसी बात को लेते हुए चलते हुए कि अगर ये हेल्पिंग पा रही है तभी हम उसको हेल्पिंग बोलेंगे। छोटे से एग्जाम्पल ही प्रेजेंट कर देता हूं इसी स्लाइड में अगर मैंने यहां पे लिखा है कि रवि इज अ डॉक्टर रवि इज अ डॉक्टर एंड सेकेंड एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा है रवि इज डुइंग हिज वर्क अब दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपके पास इज है और इसमें भी एज है बट दोनों के इज में यूजेज में डिफरेंस है सहायक क्रिया तभी खुश होती है जब ये किसी की मदद कर पाए अदरवाइज ये बोलेंगे कि भाई हमें हेल्पिंग वर्ब ना बोलो हेल्पिंग वर्ब बोलना है तो हमें मदद करनी है इस वाले केस में अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो ये एक मेन वर्ब की की आईएनजी मदद कर रहे हैं यहाँ पे देखो मेन वर्ब की आईएनजी की मदद कर रहे हैं बट अगर इस वाले के बारे में बात बोले हैं, तो ये इस, क्या हो चुका है? हो चुका चुका है है क्योंकि ये किसी वर्ब की मदद नहीं कर पा रहा है यहाँ पे सीधा हमने क्या यूज कर दिया एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को यूज कर दिया है ये मदद नहीं कर पा रहा है तो इस वाले केस में आप इसको हेल्पिंग वर्ब ना बोले आप बोलोगे या तो लिंकिंग बोलो या फिर आप इसको मेन वर्ब बोल दो आप सीधा क्या बोल दो इसे मेन वर्ब बोल दो तो यहां है लिंकिंग या फिर मेन वर्ब का और यहां पे ये जो फंक्शन कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का तो अगर आप सहायक क्रिया बोलते हो इस बात को याद रखना अगर आप सहायक क्रिया बोलते हो तो वो सहायता करनी उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक मेन वर्ब का तो सेंटेंस में आपके फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स जो मैं प्रेजेंट करूंगा अभी आपके सामने तो सारी चीजों को आपको कनेक्ट करके चलना है ठीक है बेसिक बैच है तो अभी हम बेसिक के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी एडवांस पे भी, भी लेके चलेंगे तो तो एडवांस में आपका कॉम्पिटिटिव से भी पूरा कनेक्ट हो जाएगा और एरर्स भी आपके प्रेजेंट होंगे तो यही आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं देख लीजिए एक बार नजर मारी इसमें सब कि आपके पास फर्स्ट फॉर्म है आपके पास सेकेंड फॉर्म है और आपके पास थर्ड फॉर्म है तीन फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट है जैसे कि अलाउ के बारे में बात बोले तो अलाउ allow का अलाउड करा है और अलाउड आपका पास पार्टिसिपल हो चुका है चेंज है तो चेंज change का चेंज Show, हाँ, तो आप इसी नाम से, इसी नाम नाम से YouTube, जो का है, वहां से से जो का है आप इसके फॉर्म्स ऑफ वर्क डाउनलोड कर सकते हैं so उसका पूरा डिटेल, PDF हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इज आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है एंड मॉडल्स है अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जब हम बी की फॉर्म्स के बारे में बात बोलते हैं तो आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आती है मॉडल्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं दैट इज सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब या फिर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब तो दोनों का काम क्या है मदद करना है ये जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक आगे बात नहीं मानते तो इनके बाद आपको क्या चाहिए एक मेन वर्ब चाहिए अब मेन वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी और सेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी पढ़ लेते हैं इसके बारे में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ड से घबराना मत ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब्स ही होता है आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टुगेदर जिनको हम टुगेदर यूज करते हैं विद द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस वही बात बोली गई है जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करी थी मेन वर्ब के साथ यूज करा जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट सपोर्ट द मेन वर्ब्स टू फॉर्म सपोर्ट करते हैं किसका मेन वर्ब का टू फॉर्म स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थ्री टाइप्स होती हैं इज एम आर वॉज जो कि बी की फॉर्म्स है. तो, है और डू के स्ट्रक्चर में चले तो डू डज डेड आ जाता है पहला कंप्लीट करते हैं हम बी की फॉर्म्स को ठीक है नोट्स अच्छे से बनाने सारे स्टूडेंट्स ने सो so, बी की फॉर्म्स में द वर्ब टू बी इज यूज एज इज एम आर वॉज इनको यूज करते हैं इट्स सिंपल मीनिंग इज टू अकर अकर करना होना किसी चीज का हैपन होना या एग्जिस्ट होने के लिए यूज करते हैं अगर बी की फॉर्म्स के बारे में बात बोले तो प्रेजेंट में आपकी अलग होती है और पास्ट में अलग होती है प्रेजेंट में जब आप यूज करते हो तो आपका इज एम आर यूज होगा और अगर पास्ट के बारे में यूज करोगे तब आप वॉज व का यूज करोगे ठीक है ये थोड़ी सी बात बताई गई है एक्टिव पैसिव वाले पॉइंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके अपकमिंग सेशन में कवर करवाएंगे ठीक है स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं नेक्स्ट इज हैव अब यहाँ पे हैव आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं डिनोट्स पोजेशन, किसका यूज किस तरीके से यूज करा जा रहा है पोजीशन की तरह यूज करा जा रहा है हैव इज यूज्ड एज हैज हैव हैड एज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब इट इज आल्सो यूज्ड इन टेंसेस

मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं अगर हम हैज हैड के बारे में बात बोले ध्यान से देखना सब जब हैज हैड के बारे में बात होगी तो आपकी तीन तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका पोजेशन के लिए यूज हो जाता है जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं ये किसके लिए पोजेशन के लिए, लिए यूज हो जाएगा अगर हम इसका सेकेंड यूजेज बोले तो सेकेंड यूजेज ये ऑग्जलरी वर्ब का भी फंक्शन करते हैं और ऑक्सिलरी मतलब क्या हेल्पिंग वर्ब मतलब किसी मेन वर्ब की मदद करेंगे सहायक क्रिया वाला काम करेंगे और तीसरा ये किसका काम करेंगे मेन वर्ब का भी फंक्शन करेंगे तो तीनों तरीके से आपका हैज हैव हैड यूज होता है इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है अगर हम हैज हैव हैड के बारे में बात बोले तो इसका पूरा एक लेक्चर वन आवर का कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और इसका इमेजिनरी केसेस कुछ पॉइंट्स आपके कवर होते हैं अगर हम एग्जाम्पल में इसमें लिखे पोजीशन में लाइक like अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा आई हैव अ कार तो मतलब यहां पे हमने किसके लिए बता रहे हैं पोजीशन के लिए बता रहे हैं है. या फिर मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल में आई हैड आई हैड एन अम्ब्रेला आई हैड एन अम्ब्रेला नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई हैव बॉट कार आई वॉट अकार एक और लिख देते हैं सुरेश हैज अटेंडेड अटेंडेड द क्लास इस वाले केस में एग्जाम्पल में लिख देते हैं आई हैव had had a pizza, I had had a pizza, या फिर I had a pizza, ठीक है ये so, मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए अब पहले वाले में देखिए आप पजेशन के बारे में बात हो रही है जब पजेशन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे देखो हैव है और हैव के बाद सीधा हमारे पास क्या आ चुका है ऑब्जेक्ट आ चुका है तो ध्यान आपको बेटा ये देना है कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हो तो वो वर्ब आपकी एक मेन वर्ब की मदद जरूर करेगा जब तक वो मेन वर्ब की मदद नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलोगे तो यहां पे आप देखो इस समय ये है किसी मेन वर्ब की मदद नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया पोजेसिव वर्ब बोल दिया ये पोजिशन के बारे में बात बता रहा है ये पास के पोजेशन के बारे में बात बता रहा है आई हैड एन अम्ब्रेला कि आपके पास क्या था एक अम्ब्रेला था तो दो तरीके से यहाँ पे मैंने आपको यूजेज बता दिए दो एग्जांपल से अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब अब मैंने आपको बोला था कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो मदद करे बिना नहीं मानने वाला है वो मदद करेगा ही मेन वर्ब की तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या देखने को मिल गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलगी तो यहाँ पे आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो

अगर यहाँ पे आई हैव हैड अ पिज्जा बोला है तो हैड इस समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है इस बात को सबने ध्यान देना है टेंस को भी समझना है कि अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं सो आई हैव हैड अ पिज्जा में इस समय ये जो हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब क्या है ईटन है अब क्वेश्चन आप सबसे है क्वेश्चन ये है ये बताएं कि आई हैड अ पिज्जा में फॉर्म ऑफ वर्ब में कौन सी फॉर्म है फॉर्म ऑफ वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज करी गई है जल्दी से बताएं फॉर्म्स ऑफ वर्ब में कौनसी फॉर्म यूज करी गई है इस समय देखिए अब यहां पे हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट है सॉरी सब्जेक्ट है बीच में ऑब्जेक्ट है अगर सॉरी बीच में अगर वर्ब है अगर एक ही वर्ब है सिंपल सी एक बात समझ लेना अगर एक ही वर्ब है तो यहां पर आपके पास या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या तो वर्ब की एस फॉर्म होगी या ई एस फॉर्म होगी या फिर आपके पास सेकंड फॉर्म होगी इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो यूज हुआ है यहाँ पे क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म में और इस समय अगर हम एट इसको हैड को बोले तो ये एट का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है एट का काम कर रहा है सेकेंड फॉर्म का काम कर रहा है तो ध्यान देना है सबने इस बात में कि ये वाला हैड के बारे में अगर बात बोले तो ये ईटन था इस वाले हैड के बारे में बात बोले तो एट था देखो हैड जो है यहाँ पे अगर के बारे में बात बोले के बारे में बात बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है कि जिसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस कभी सही हो ही नहीं सकता

थर्ड फॉर्म आएगी तो उससे पहले अपने इससे पहले क्या लेगा एक हेल्पिंग वर्ब को लेगा तो जैसे कि इसमें यूज करा गया है और अगर किसी को प्रॉब्लम भी आई है तो कोई बात नहीं आने वाले सेशंस में आगे हम लेके चलेंगे तो एडवांस में भी दोबारा डिटेल में बात होगी इसमें चलते हैं आगे वापस आ जाते हैं कहा थे हम ही बात हो रहा था नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डूके फॉर्म्स में डूके फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि डू डेट सिंपली मीन्स टू वर्क इसका मतलब क्या होता है किसी चीज को परफॉर्म करना किसी एक्शन को परफॉर्म करना या वर्क करना एंड इट इज वास्टली यूज इन टेंसेज टेंसेज में यूज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस में भी यूज होते हैं तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में बात बोलेंगे एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स का आप स्क्रीन ले सकते हो आई एम हैप्पी तो एम आपके पास क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है सचिन इज एट होम अगेन ऑक्सिलरी वर्ब है माहिका इज वेरी चार्मिंग गर्ल इज ऑक्सिलरी वर्ब है तो इन एग्जाम्पल्स को आप रीड कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आपके पास अब थोड़ी सी पॉइंट और सीख लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है सेकंड पर्सन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन प्लुरल होता है इसमें फॉर्मेशन आपकी किस तरीके से बनती है देखो अगर फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है और तो तो अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट तो क्या होगा आपका आई होगा हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस अगर इसके साथ आप प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो तो एम या फिर हैव यूज होगा अगर आप पास्ट टेंस के बारे में बात बोल रहे हो तो वॉज या फिर हैड यूज होगा सेकेंड पर्सन के बारे में बात बोलोगे तो यू आपका सेकेंड पर्सन में आ जाता है इस वाले केस में या तो आप आर का यूज करोगे हैव का यूज करोगे प्रेजेंट टेंस में और पास टेंस के बारे में बात बोलेंगे तो वर या फिर हैड आ जाएगा थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर है तो इस केस में आपके पास ही शी इट और पर्सन का नेम आएगा और इस केस में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है दैट इज इज या फिर हैज यूज होगा पास्ट में चलेंगे तो वर्ज या फिर हैड ही यूज होने वाला है थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात होगी तो वी दे बॉयज आपका ये प्लूरल केस में आता है इसमें आपके पास आर और हैव आपका प्रेजेंट के लिए यूज होगा और जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो वर और हैड यूज होगा स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं नोट डाउन कर लें सेशन को थोड़ा स्पीड अप ही रखेंगे माना में लेके चलेंगे ताकि प्रॉब्लम के साथ-साथ हम आगे काफी चीजें करवा भी पाए सेंटेंस फॉर्मेशन रूल सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार थो, थोड़ा सा पढ़ लो आप सब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग अ सेंटेंस स्टार्टिंग के लेक्चर अच्छा, कोई भी सेशन को वॉच कर रहा है तो प्लीज सीक्वेंस में वॉच करें आपका सेशन वन से लेके वन टू थ्री ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तो स्टार्टिंग के सेशन देखोगे आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी सेशन को सबने सीक्वेंस में देखना है तो वहां पे मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं कि अगर सेंटेंस के बारे में बात बोले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट

नेक्स्ट इन वन वर्ड सेंटेंसेस ओनली वर्ब रिमेन्स इन द सेंटेंस और किसी में, stop, ये सारे के, सारे के टाइप्स चल रहे होंगे बट अभी आपके सामने आ चुका है तो मैंने आपके सामने बता दिया कि इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन रहती हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेसिक बात ही है इसमें लिखी हुई नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज हैड तो टाइप ऑफ सेंटेंस अगर आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट देन ऑब्जेक्ट आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात याद रखनी है और सारे ही केस में ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के केस में सारे जितने भी टेंस है सबके केस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब ये हेल्पिंग पहले यूज करते हो इसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज करते हो और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को यूज करते हो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात बोलें तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क आपका सेंटेंस इस तरीके से होते हैं। और ये स्ट्रक्चर बेटा आपका आपका हर हर जगह जगह फॉलो 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 होगा होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी केस में में हो रहा है सेम पैटर्न देखते हैं इंग्लिश इज एन लैंग्वेज अंग्रेजी एक आसान भाषा है तो यहाँ पे इज़ जो है आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है बट तो नहीं है क्योंकि और ये मदद नहीं कर पा रही है तो आप इसको क्या बोल सकते हो आप इसे या तो लिंकिंग बोलो या फिर आप इसे मेन वर्ब बोलो क्या बोलो मेन वर्ब बोलो क्योंकि हेल्पिंग सहायक क्रिया आप तब बोलते हो जब एक help, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब की मदद करता है और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब की मदद नहीं कर पा रहा है तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं बोला आई एम नॉट योर फ्रेंड अगेन यहाँ पे भी सेम बात समझ लो पे am, am I your friend? पे भी आपका ये main verb का काम कर रहा है ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है ये ये भी भी का का काम काम कर कर रहा है। कर रहा है है ठीक है और अगर हम टेंस के बारे में बात बोलें तो ये टेंस अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है समझ लेना सारे स्टूडेंट्स ये हमारे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये इंटरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ठीक है अगर इसके बारे में बात बोलें तो ये पास्ट इन डेफिनेट टेंस होगा ऑक्सिलरी वर्ब बस एक बात समझ लेना ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हो हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो तो पीछे मेन वर्ब को ढूंढो अगर आपको मेन वर्ब मिल जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब है अदरवाइज उसका यूजेज कुछ अलग तरीके से हुआ है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हो आपको मैं दे देता हूँ इसके लिए थर्टी सेकेंड्स दे देता हूँ जल्दी से रीड करें नेक्स्ट, नेक्स्ट और कुछ और एग्जाम्पल्स से इनको भी रीड कर लीजिए एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे स्टूडेंट्स को नोट डाउन करने हैं अपने नोटबुक में डू यू हैव अ हंड्रेड रुपी नोट क्या आपके पास सौ रुपए का नोट है वी हैव नो एपेटाइट टूडे हमें आज भूख नहीं है वर्तिका हैज टॉयज वर्तिका के पास कई खिलौने हैं ठीक है अभी आप इन चीज़ों को बेसिक्स की तरह लर्न करें नोट डाउन रखें क्योंकि अपकमिंग क्लासेस में मैं बिल्कुल रिटर्न वाली चलेगी तो उसमें मैं आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाऊंगा तो जल्दी से नोट डाउन करो इन सब चीज़ों को स्क्रीन ले लिया होगा आई होप मॉडल्स के बारे में भी थोड़ा पॉइंट लिख दिया कि अनदर टाइप ऑफ ऑक्री वर्ब विल शैल मे कैन ये मॉडल्स भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनको क्या बोलते हैं मॉडल्स बोलते हैं मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनके बारे में पूरा एक सेशन ही अपलोड करेंगे ठीक है और फॉर्म्स इनकी नहीं होती है फॉर्म्स आपकी मेन वर्ब की होती है इनमें का usage नहीं करते तो एक्सरसाइज आपके सामने सामने हो चुकी है है अब अब जितनी भी चीजें आपने सीखी अभी तक उसमें से आपके सामने exercise है, अब यहां पे आपको आंसर्स करने हैं तो सारे स्टूडेंट्स हैं आंसर करेंगे नंबर वन के बारे में देखते हैं शी हैज मेड द टेबल अब आइडेंटिफाई मेन वर्ब्स इन देंटेंसेज आपको इसमें मेन वर्ब बताना है पहले वाले में देखें

तो यहां पे आपके पास जो मेन वर्ब है दैट इज आस्ट इज द करेक्ट आंसर नंबर फोर में चलते हैं वी विल बिल्ड अब विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है जिसको models अभी मैंने आपके सामने बताया था तो विल क्या हो गया आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गया तो इसके बाद मेन वर्ब क्या हो गया बिल्ड हो गया सो बिल्ड इज द करेक्ट आंसर नंबर फाइव दैरट इज फ्लाइंग इन द स्काई तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा फ्लाइंग इज द करेक्ट आंसर जो उड़ना है ठीक है

Questions आपके सामने प्रेजेंट है एरोप्लेन वॉज होवरिंग ऑन सिटी तो यहां पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल so, so, में शी इज नॉट वॉचिंग टीवी सीरियल वॉचिंग इज द करेक्ट आंसर डू नॉट ओपन द डोर तो यहाँ पे आपके पास ओपन द डोर ओपन आपके पास मेन वर्ब हो गया है आई रीड न्यूज पेपर डेली इन द मॉर्निंग यहाँ पे रीड आपके पास मेन वर्ब हो चुका है इंडियंस प्रेफर टू सॉल्व द प्रॉब्लम अक्रॉस दू है क्या हो चुका है मेन वर्ब हो चुका है ठीक है सो so, जिस जिसने यही करेक्ट आंसर करे हैं द करेक्ट आंसर और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने प्रेजेंट है ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है जल्दी से इसको देखे और अटेम्प्ट करें और आंसर सारे स्टूडेंट्स को करने है और नोट no डाउन भी करना है साथ साथ सो so जल्दी से अटेम्प्ट करें गो फॉर इट क्वेश्चंस आपके सामने हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको देखना है कि यहाँ पे आपका कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी फिल इन द ब्लैंक्स में जो स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं तो तभी भी वो आप कमेंट पे आंसर्स कर सकते हैं आपके आंसर्स देखे जाते हैं यू डैश नॉट अ मैनेजर तो यहाँ पे आपके पास यू लिखा है फिर डैश नॉट अ मैनेजर सो यू के साथ इज आएगा वर आएगा वॉज आएगा नन आएगा तो यहाँ पे देखे जल्दी से क्या होने वाला है आंसर सो so, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जितना टाइम होना था आपके लिए दे चुके हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ये रही नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपके पास फाइव क्वेश्चंस है फाइव क्वेश्चंस के लिए अगेन यू हैव वन मिनट thank <laughs> you सो so फाइनली uh, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर चुका हूँ so ये वर्ब चैप्टर बेसिक्स के आपके सामने एक्सरसाइज प्रेजेंट करिए सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है सो so बेसिक्स के ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर दिए जिसमें कि आपके ऑक्जलरी के यूजेज के बारे में और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में हम यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब आप टेंस पढ़ोगे तो टेंस कोई एक अलग डेफिनेशन लेके नहीं आता टेंस भी आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही है फॉर्म्स ऑफ वर्ब से ही टेंस बनता है जिससे कि आप प्रेजेंट के बारे में बताते हो पास के बारे में बताते हो फ्यूचर के बारे में बताते हो तो ये सारी चीजें हम को करेंगे तो बेसिक बैच के आज के सेशन को यहीं पेन्ड करते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मीटिंग होगी तो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आपका एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक जिसमें डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इसी कंसेप्ट को सो दैट्स ऑल फोर टूडे वन अ ग्रेट डे अड